Assalamualaikum friends, this is Mohammad Hashim and you're watching HK English YouTube channel. तो दोस्तों क्या आप भी सोच कर इंग्लिश बोलते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश के फिक्रात लाया हूँ जिनको सीखकर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो आओ दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट सेंटेंस है लुक बिहाइंड यू। लुक बिहाइंड यू मतलब के अपने पीछे देखो, लुक मतलब के देखो, बिहाइंड मतलब के पीछे। लुक बिहाइंड यू अपने पीछे देखो, लुक बिहाइंड यू अपने पीछे देखो। अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स इट्स अडोरेबल। इट्स अडोरेबल ये बहुत प्यारा है, इट्स अडोरेबल। I think that मतलब के मुझे लगता है कि, I think that मुझे लगता है कि। Stay alert मतलब के चौकन्ना रहें। Stay alert यानी कि चौकन्ना रहें। तो फ्रेंड्स Stay alert की उर्दू में मीनिंग है चौकन्ना रहें। Stay alert Don't go inside अंदर मत जाओ। इनसाइड मतलब कि अंदर, गो का मतलब है जाओ, डॉन का मतलब है मत। डोंट गो इनसाइड अंदर मत जाओ। डोंट गो इनसाइड अंदर मत जाओ। दिस फोन इज़ वेरी अट्रैक्टिव ये फ़ोन बहुत दिलकश है। दिस फोन इज़ वेरी अट्रैक्टिव तो फ्रेंड्स वेरी अट्रैक्टिव का उर्दू में मतलब है दिलकश। This phone is very attractive. ये फ़ोन बहुत दिलकश है। This watch is beautiful. ये घड़ी प्यारी है। This watch is beautiful. Where is my cup? मेरा कप कहाँ है? Where is my cup? Where is my cup? I'm feeling better. मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। He's very brave. वो बहुत बहादुर है। I'm busy. मैं मसरूफ हूँ. Stop laughing. हंसना बंद करो। तो फ्रेंड्स स्टॉप लाफिंग मतलब के हंसना बंद करो। स्टॉप लाफिंग हंसना बंद करो। काम डाउन मतलब के पुरसकून हो जाओ। काम डाउन पुरसकून हो जाओ। She was looking so charming. वो इतनी दिलकश लग रही थी। She was looking so charming. वो इतनी दिलकश लग रही थी। She was looking so charming. Be cheerful. मतलब के मुस्कुराते रहो। Be cheerful. Clean the floor. मतलब के फर्श साफ करो। Clean the floor. तो फ्रेंड्स फ्लोर का मतलब है फर्श। क्लीन का मतलब है साफ करना। क्लीन द फ्लोर मतलब के फर्श साफ करो। Did you see क्या तुमने देखा? The exam was very difficult. इम्तिहान बहुत मुश्किल था। I am fine मैं ठीक हूँ या फिर I am fine मैं ठीक हूँ। Their family is good उनका खानदान अच्छा है। She was looking gorgeous. वो बहुत प्यारी लग रही थी। She was looking gorgeous. वो बहुत प्यारी लग रही थी। Stay healthy
स्टे हेल्दी। तो फ्रेंड इसको हम हेल्दी बोलते हैं, हेल्दी, हेल्थी नहीं, हेल्दी। स्टे हेल्दी मतलब के सेहतमंद रहें, स्टे हेल्दी, स्टे हेल्दी मतलब के सेहतमंद रहें। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम वेरी हंग्री, डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट, मासूम बनने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट, मासूम बनने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट। वाई आर यू सो जेलस, वाई आर यू सो जेलस, आपको इतनी जलन क्यों हो रही है। वाई आर यू सो जेलस, आपको इतनी जलन क्यों हो रही है। वाई आर यू सो जेलस। आई हैव अ जॉली मूड, आई हैव अ जॉली मूड, मेरा मूड खुशगवार है। आई हैव अ जॉली मूड, मेरा मूड खुशगवार है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव अ जॉली मूड, आई हैव अ जॉली मूड। अली इज वेरी नॉटी, अली इज वेरी नॉटी, अली बहुत शरारती है। अली इज वेरी नॉटी, अली बहुत शरारती है। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। तो फ्रेंड्स ओपन का मतलब है खोलना, डोर का मतलब है दरवाज़ा, तो इसे हम कहते हैं ओपन द डोर मतलब कि दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर फख्र है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर फख्र है। यू आर वेरी सिली, यू आर वेरी सिली, तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यू आर वेरी सिली, यू आर वेरी सिली, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। She smiled warmly, वो दिल से मुस्कुराई। She smiled warmly, वो दिल से मुस्कुराई। She smiled warmly. Talk wisely, समझदारी से बात करें। Wisely मतलब के समझदारी से बात करें। Wait outside, बाहर इंतज़ार करें। Wait outside, बाहर इंतज़ार करें। They live nearby, वो पास में ही रहते हैं। They live nearby, they live nearby, वो पास में ही रहते हैं। Get out, बाहर जाओ। I said get out, मैंने कहा बाहर जाओ। I said get out मतलब के मैंने कहा बाहर जाओ। Don't go anywhere, कहीं मत जाओ। Don't go anywhere मतलब के कहीं मत जाओ। Don't go anywhere. I am extremely tired, मैं बहुत थक गया हूँ। I am extremely tired, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड। दिस इज टू गुड, ये बहुत अच्छा है। दिस इज टू गुड मतलब कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है को हम इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज टू गुड। जस्ट गो आउट ऑफ हेयर, बस यहाँ से चले जाओ। जस्ट गो आउट ऑफ हेयर, बस यहाँ से चले जाओ। जस्ट गो आउट ऑफ हेयर। इज इट इनफ, या ये काफ़ी है। Is it enough, क्या ये काफ़ी है। Is it enough, I am quite busy, मैं काफ़ी मसरूफ हूँ। I am या फिर I am quite busy, I am quite busy, मैं काफ़ी मसरूफ हूँ। See you later, बाद में मिलते हैं। See you later, बाद में मिलते हैं। See you later, बाद में मिलते हैं। Call him now, उसे अभी बुलाओ। Call him now, उसे अभी बुलाओ। Call him now, उसे अभी बुलाओ। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये हमारा इंग्लिश का वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। सो थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। सो बाय गाइस।